बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10, आज हम यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज करेंगे, चाइनीज़ न्यू ईयर्स। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आप पिछले यूनिट लेक्चर में कर चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका ग्लॉसरी देखें। ये लेसन के दौरान आने वाले डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, उनके मीनिंग जो टेक्स्ट बुक वालों ने दिए हैं उनको देख लें। एसोसिएशन कहते हैं वाबस्तगी, फीलिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट, एक ख़ास वाक़े से ताल्लुक़ रखने वाले जो एहसास जज्बात हैं उनको कहा जाता है। सेलिब्रेशन तकरीब को कहते हैं। पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग, यानी कि जहाँ पर किसी पार्टी या एक समाजी इज्तिमा में कोई तकरीब जो है ना वो सेलिब्रेट करते हैं। कस्टमरी एक मामूल को कहते हैं, यूजुअल फॉर समबडी, किसी शख्स के मामूल को कहा जाता है। और गैदरिंग इज्तिमा को कहते हैं, ब्रिंगिंग टुगेदर आर कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली, लोग या फिर एक खानदान के अफराद जब इकट्ठे हों वो इज्तिमा होता है। लूनर कहते हैं कमरी को, चांद से मतलब, रिलेटिंग टू द नून। पार्टेक, हिस्सा लेना, टेक पार्ट आर शेयर इन। रेसिपिएंट वसूल कनिंदा, रिसीवर। रेइनविगोरेट करना, ताकतवर बनाना, कुव्वत फराहम करना, स्ट्रेंथन करना। और सिम्बलाइज करना, अलामत होना, टू रिप्रेजेंट समथिंग बाई मीन्स ऑफ सिंबल, अलामतों से किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना। और ट्रेड्स कहते हैं करेक्टरिस्टिक खसूसियात को कहा जाता है। उसके बाद आ गया वोकैबुलरी, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। लेसन में ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग, तो वो मीनिंग देख लें कौन कौन से इनके। सबसे पहले है गैदर, इकट्ठे होना, सॉरी ये है सबसे पहले है गैदरिंग, इज्तिमा। तो द ग्रुप ऑफ पीपल मीटिंग टुगेदर, लोगों का ग्रुप जो होता है, जमात जो होती है, जो इकट्ठे मिलते हैं। कस्टमरी मामूल होना, रिवाज होना, एनी यूजुअल प्रैक्टिस को कहा जाता है। और थारोली मुकम्मल तौर पर, टू डू सम एक्शन वेरी केयरफुली एंड कम्प्लीटली इन ऑल एस्पेक्ट, किसी काम को बड़े एहतियात के साथ मुकम्मल तौर पर सर अंजाम देना हर लिहाज से, इसे कहते हैं थारोली। और कॉमन प्लेस का मतलब था मामूल होना, टू बी ऑर्डनरी और रेगुलर, रूटीन के मुताबिक चलना था। पार्टी हिस्सा लेना, अभी हमने देखा, टू पार्टिसिपेट इन एनी एक्टिविटी, किसी सरगर्मी में हिस्सा लेना। ट्रेड्स कहते हैं खसूसियात को, पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, किसी किरदार की मखसूस खूबियाँ। और रेइनविगोरेट करना, मजबूत करना, ताकतवर बनाना, टू स्ट्रेंथन करना समथिंग, किसी चीज़ को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि फॉर्म नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज अ नाउन इन सेंटेंस, इन वर्ड्स के आपने नाउन बनाने हैं और उसके बाद उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्लास 10 में सेंटेंस मेकिंग नहीं है, पेपर में नहीं है, ये जुमले बनाना, वो सिर्फ पेयर ऑफ वर्ड्स के जुमले बनाना पेपर में आता है, जो कि हम रूटीन में कर रहे हैं ग्रामर और कंपोजिशन से। तो ये कुछ उसने एग्जाम्पल दिए, सेलिब्रेट से सेलिब्रेशन, तो आपने गैदर, सिंबॉलिक, प्रॉस्पर, डेकोरेट और एनकरेज से बनाने हैं, तो वही हम देख लें। गैदर एक वर्ड है जिसका मीनिंग है इकट्ठे होना और इसका नाउन है गैदरिंग, इज्तिमा। सेंटेंस आप ज़रूरी नहीं है कि यही याद करें, कोई भी कर सकता है, लेकिन ये पेपर में तो आने ही नहीं है। हिज सक्सेस वॉज डिक्लेयर्ड इन अ बिग गैदरिंग, एक बड़े इज्तिमा में उस कामयाबी का ऐलान किया गया। उसके बाद सिम्बॉलिक, अलामती, इसका नाउन है सिम्बल, अलामत। द पिजन इज़ अ सिम्बल ऑफ पीस, कबूतर अमन की अलामत है। उसके बाद है प्रॉस्पर, खुशहाल होना, प्रॉस्पेरिटी इसका नाउन है, खुशहाली। वी शुड वर्क हार्ड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री, हमने अपने मुल्क की खुशहाली के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। डेकोरेट करना, रास्ता करना, सजाना, इसका नाउन बनेगा डेकोरेशन, और इसका सेंटेंस है ही हैज स्पेंट मच ऑन डेकोरेशन ऑफ हिज हाउस, यानी कि अपने घर की आराइश में उसने बहुत कुछ खर्च किया। एनकरेज कहते हैं हौसला अफजाई करना, नाउन है इसका एनकरेजमेंट, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस एनकरेजमेंट, आपकी इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, उर्दू में इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करें, ये हम कर चुके हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में है, एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन, चाइनीज न्यू ईयर्स फॉल समवेयर, चीनियों का नया साल कब शुरू होता है, तो ये हमने लेसन में पढ़ा था, बिटवीन जनवरी 21st एंड फरवरी 20th। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, पैराग्राफ वन गिव्स, तो पैराग्राफ वन जो है वो किस चीज़ की डिटेल देता है, जनरल, स्पेसिफिक या जनरल डिटेल, तो हमने ये देखा था स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, इसकी बी वाली ऑप्शन सही है। उसके बाद है, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज
टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज, घर वालों का रिवाज क्या है, घरों की मुकम्मल सफाई करना कब, ए ऑप्शन है बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। उसके बाद है नंबर फोर पे है हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज, मीन्स यानी कि दरवाजों और खिड़कियों पर आपने पोस्टर जो है इश्तहारत अवेजा करना है, उसका मतलब क्या होता है, लक एंड हैप्पीनेस, सी वाली ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर फाइव है एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन अनटिल, लिफाफे जो हैं वो कब तक नहीं खोले जाते, जब तक देने वाला घर से रुखसत ना हो जाए, अनटिल द रेसिपिएंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, बी वाली ऑप्शन है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हमने पिछले लेक्चर में रीडिंग लर्निंग के तौर पर हमने कर लिए थे। ग्रामर का कुछ नेक्स्ट पार्ट है और ये इंशाल्लाह हम कल इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।